सैफ अली खान की रेस फ्रेंचाइज की चौथी किस्त बन रही है। इसमें सैफ की भी वापसी हुई है क्योंकि रेस 3 के मेकर्स ने सलमान खान को कास्ट कर लिया था, लेकिन फिल्म को लोगों ने पसंद नहीं किया। खैर, अब रेस 4 की कास्टिंग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अब सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी एंट्री हो गई है। फिल्म में वो ग्रे शेड कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं। रेस फ्रेंचाइज के प्रोड्यूसर रमेश तैरानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच पिछले कुछ समय से बात चल रही थी। सिद्धार्थ ने भी रेस 4 में काम करने की इच्छा जताई है। पिंक विला ने अपनी रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े सोर्स का हवाला देते हुए लिखा, रमेश तैरानी को रेस 4 के बेसिक प्लॉट को बनाने के लिए राइट्स की इन हाउस टीम मिली है, लेकिन स्क्रीन प्ले के लिए उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस राइटर्स और डायरेक्टर्स को आउटसोर्स किया है। फिलहाल फिल्म की राइटिंग पर काम चल रहा है। रमेश के सिद्धार्थ मल्होत्रा से रेस 4 में सैफ अली खान के साथ लीड रोल के लिए बात चल रही है। सिद्धार्थ रेस फ्रेंचाइज के बड़े फैन हैं, साथ ही उन्होंने फिल्म में काम करने की इच्छा भी जताई है। सूत्र ने आगे बताया, रेस फ्रेंचाइज में दो स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों के बीच लड़ाई रही है, जैसे रेस में सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के बीच, रेस 2 में सैफ और जॉन अब्राहम, और रेस 3 में सलमान खान और बॉबी देओल के बीच टकराव हुआ था। इसलिए इस फ्रेंचाइज के रिबूट के मेकर सैफ अली खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच टकराव दिखाना चाहते हैं। रेस 4 शुद्ध रूप से दो हीरो वाली फिल्म है। इसमें दोनों ही ग्रे शेड में दिखेंगे। दो हीरो वाली इस फिल्म में कुछ और अच्छे एक्टर्स होंगे। मेकर्स इसमें भरपूर रोमांच और ग्लैमर डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर सूत्र ने आगे बताया, रेस 4 को बड़े स्केल में बनाया जाएगा। रमेश तैरानी और उनकी टीम को इस फ्रेंचाइज पर पूरा भरोसा है। सैफ और सिद्धार्थ स्क्रिप्ट सुनने के बाद से ही फिल्म साइन करेंगे। फिल्म का नरेशन एक्टर्स को नवंबर 2024 तक दिया जा सकता है। साथ ही मेकर्स मार्च 2025 तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। 2008 में इस फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी। रेस में सैफ के साथ अक्षय खन्ना, अनिल कपूर और बिपाशा बासु जैसे एक्ट्रेस ने काम किया था। दूसरी किस्त में 2013 में रिलीज हुई। इसमें सैफ के अपोजिट जॉन अब्राहम ने विलेन का रोल किया था। रेस 3 में पूरा क्रू चेंज हो गया था। इसमें सलमान खान, बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडिस और डेजी शाह अहम रोल में थे। फिल्म को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट और सलमान खान ने रमेश तैरानी के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया था। रेस 3 ने देश भर में 167 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि इस फ्रेंचाइज की किसी फिल्म का हाईएस्ट कलेक्शन था। रेस 4 को लेकर आ रही खबरें कितनी सच्ची और पुख्ता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करें सैफ अली खान की, तो वो इन दिनों देवरा की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इसमें उनके साथ जूनियर NTR और जानवी कपूर हैं। ये फिल्म 27 सितंबर को रिलीज के लिए शेड्यूल है। इसके अलावा वो ज्वेल थीव द रेड सन चैप्टर में भी नजर आएंगे। ये सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में सैफ के साथ जयदीप अहलावत और निकिता दत्ता जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। इन दो फिल्मों के अलावा सैफ प्रियदर्शन की एक थ्रिलर फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इसमें बॉबी देओल मेन विलेन के रोल में नजर आएंगे। जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। प्रियदर्शन वाली फिल्म से फारिग होने के बाद ही सैफ रेस 4 पर जुटेंगे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी अगली फिल्म मिट्टी की शूटिंग कर रहे हैं। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसके अलावा उनके पास 10वीं फेम डायरेक्टर तुषार जलोटा की अनटाइटल्ड फिल्म है। इसमें उनके साथ जानवी कपूर नजर आएंगी। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी शशांक ने। सिनेमा से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोवा की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा को पावर्ड बाय USV योर रिलायबल हेल्थ केयर पार्टनर एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल।